दोस्तों अगर आप भी भारत के दिग्गजों को बेहतरीन क्रिकेटर मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के साथ इस समय टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसके बाद मार्च के महीने में भारत के दिग्गज विश्व के दिग्गजों के साथ रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज खेलेंगे, जिसके लिए टीम का ऐलान हो गया है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कौन कौन है टीम में शामिल, लेकिन उससे पहले भारत के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर कौन है इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत पिछले साल पुणे में 11 मार्च से हुई थी, लेकिन देश में कोरोना हमारी के कारण लॉकडाउन लग गया और ऐसे में महज 4 मैच खेलने के बाद ही इस सीरीज को स्थगित कर दिया गया था और अब उसी सीरीज को दोबारा से शुरू किया जा रहा है और इस बार ये टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होगा। तो वहीं पिछली बार इस टूर्नामेंट में कुल 5 टीमों ने भाग लिया था, लेकिन इस दफा टीमों की संख्या 6 हो गई है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस बार टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होगी, उसकी जगह श्रीलंका लीजेंड्स को शामिल किया जाएगा। इसी के साथ ही इंग्लैंड लीजेंड्स टीम टूर्नामेंट की एक नई टीम है और जिसमें भारत की टीम इंडिया लीजेंड की तरफ से वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर के साथ ही कई भारतीय दिग्गज खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो ओपनिंग करने के लिए टीम इंडिया लीजेंड्स की तरफ से विश्व के सबसे बेहतरीन ओपनर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतर सकती है। तो वहीं हमेशा से ही विश्व की सबसे बढ़िया बल्लेबाजों में जो गिने जाते हैं, तो वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भारत के पूर्व बेहतरीन भारतीय दिग्गज मोहम्मद कैफ अपने तजुर्बे को दिखाने के लिए टीम में खेलते हुए दिख सकते हैं। और वहीं मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालने के लिए भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर यूसुफ पठान होंगे, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से भारतीय टीम को बहुत से मैच अकेले अपने दम पर जिताए हैं। और उनका साथ देने के लिए 5वें नंबर पर 6 छक्का लगाने वाले युवराज सिंह और विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में नमन ओझा और एक बेहतरीन स्पिनर के विकल्प के रूप में प्रज्ञान ओझा के साथ ही अनिल कुंबले टीम में शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ ही तेज गेंदबाजी के लिए जहीर खान, मुनाफ पटेल, इरफान पठान और विनय कुमार के नाम आगे आए हैं और अब भारतीय टीम बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी के साथ ही मैदान में उतरेगी। दोस्तों इस आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सड़क सुरक्षा विश्व श्रृंखला T20 के दौरान रायपुर में दिग्गजों की मेजबानी करना गर्व और सम्मान की बात है और उन्होंने कहा कि ये एक अद्भुत अवधारणा है कि लोगों को सड़क पर होने वाले खतरे के बारे में जागरूक किया जाए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय सड़कों पर हर मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। उन्होंने कहा कि चूंकि देश में क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय वाला खेल है और यहां क्रिकेटरों को आदर्श नायकों के तौर पर देखा जाता है और ऐसे में इस लीग का उद्देश्य सड़कों पर अपने व्यवहार के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने की है। और दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले सत्र को 4 मैचों के बाद कोरोना महामारी के कारण पिछले साल 11 मार्च को निलंबित कर दिया गया था और आयोजकों ने कहा था कि शेष सभी मैच रायपुर में 65,000 दर्शकों की क्षमता वाले नवनिर्मित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाएंगे। दोस्तों ये तो थी हमारी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 और आपके हिसाब से कौन कौन से बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए उतर सकते हैं और जबरदस्त फॉर्म में बल्लेबाजी कर सकते हैं, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।